प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सामने ये कविता संग्रह है जिसका नाम मैंने रखा जीवन धारा दर्शन के विविध रूप। 12 साल पहले लिखी गई थी। इसकी मैंने आपके सामने 18 कविताएं पढ़ दी हैं। अब 19वीं कविता पढ़ रहा हूँ। 12 साल पहले लिखी थी, अब इसमें क्या लिखा है वो मैं भी अब खुद जानूंगा। अब तो देखिए, जाग उठो, स्वतंत्रता दिवस देवे दुहाई। कभी 15 अगस्त के आसपास लिखी हुई कविता है। जाग उठो स्वतंत्रता दिवस देवे दुहाई। इसके सारे मिला के 11 स्तंजा हैं, तो मैं पढ़ता हूँ फटाफट, एक ही एपिसोड में ले आता हूँ। फिर से स्वतंत्रता दिवस के पक्ष में छुट्टी हो जाएगी। अगर सोमवार की कैजुअल लीव ले ली तो 4 दिन की मौज मस्ती हो जाएगी। हम स्वतंत्रता दिवस पर रंग रैलियाँ मनाते हैं, पर इसके समूचे इतिहास महत्व से ज़्यादा परिचित नहीं। हमारा क्या कैसे योगदान सुनिश्चित हो यह भी जानते नहीं। दूसरा, बाबा साहेब राम जी अम्बेडकर का संविधान से रिश्ता क्या है यह तो मालूम है, पर संविधान निर्माण का धरातल किस किस ने बनाया उन तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं उन्हें तो तफसील से जानते हैं, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, इन बातों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, कोई सरोकार नहीं। मेंबर लोकसभा की क्या जिम्मेवारियां हैं मुझे कोई एहसास नहीं। मैं तो वोटर हूँ, वोट की कीमत मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जानता हूँ। निजी मसले, निजी ज़रूरतें, निजी ज़रूरतों की पूर्ति की आशा वह सांसद पर हमेशा डालता रहता हूँ और जोर जमाता रहता हूँ। सामूहिक समाज राष्ट्र के जरूरी मसले क्या हैं मुझे क्या मालूम, इनसे मैं हमेशा कन्नी काटता रहता हूँ। चौथा, ये देखिए, जब मैंने लिखा था तब देखिए 66 साल गुजर गए हैं, तब लिखा था 66 साल गुजर गए हैं और 66 साल भी गुजर जाएंगे, न जाने कितने और हजार साल भी गुजर जाएंगे। मैं तो आधी नींद में हूँ, आधी बात सुनूंगा, आधी ही बात समझूंगा। मैं कोई आज़ाद भारत का शासनदान तो नहीं, मेरा व्यवहार न बदलेगा, मैं ऐसा ही रहूँगा। ये भारतवासी कह रहा है, आज़ाद भारत के शासनदान शतरंज का खेल खेलेंगे। अभी आप खुद कह रहा है वो, आज़ाद भारत के शासनदान शतरंज का खेल खेलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में अभिमन्यु को घेरेंगे, चक्र व्यूह रचेंगे। मैं इसके दुष्परिणामों से कदाचित डामाडोल नहीं हूँगा। मैं हूँ, मेरे स्वभाव से भारत माता चिर परिचित है। पहले भी अचल था, आज भी अचल ही रहूँगा। ये खुद कह रहा भारतवासी, मैं उनमें से एक हूँ। छठा, मुझे पेंशन मिल जाए, भारतवासी कह रहा मुझे पेंशन मिल जाए, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी, छोकरी की शादी में सरकारी अनुदान, कर्ज माफ हो जाए, अदालत केस में बरी हो जाऊं, उन्नत जीवन, उन्नत देश, उन्नत समाज में भी योगदान देने लायक बनूं, यह कभी नहीं सोचूंगा, यह कभी मेरी इच्छा भी नहीं होगी। सातवां, पर हे भारत के नागरिक तू जान ले समझ ले, अब कभी कह रहा है सॉरी हे भारत के नागरिक तू जान ले समझ ले, तेरी कामयाबियों की असलियत भारत विकास के ढांचे में समाहित है। अब ये कभी कह रहा है, रोहताश गुप्ता कह रहा है क्या, हे भारत के नागरिक तू जान ले समझ ले, तेरी कामयाबियों की असलियत भारत विकास के ढांचे में समाहित है। तेरी खूबियां बहुत हैं, तेरे पूर्वजों की कुर्बानियां तेरी शख्सियत में प्रायोजित हैं। हे भारत की जनता तू जाग उठ, हे भारत की जनता तू जाग उठ, तेरी भावी पीढ़ियां तेरे वर्तमान में समायोजित हैं। बहुत जबरदस्त चीज कह जाते हैं कभी, फिर दोबारा पढ़ूंगा, हे भारत के नागरिक तू जान ले समझ ले, तेरी कामयाबियों की असलियत भारत विकास के ढांचे में सम्माहित है। तेरी खूबियां बहुत हैं, तेरे पूर्वजों की कुर्बानियां तेरी शख्सियत में प्रायोजित हैं। हे भारत की जनता तू जाग उठ, तेरी भावी पीढ़ियां तेरे वर्तमान में समायोजित हैं।
आठवां स्वतंत्रता दिवस का महान राष्ट्रीय पर्व देवे दुआई। स्वतंत्रता दिवस का महान राष्ट्रीय पर्व देवे दुआई, तू मूलभूत बदलाव का पक्षधर बन जा। स्वतंत्रता दिवस का महान राष्ट्रीय पर्व तुझे दे दुआई, क्या कि तू हे भारतवासी तू मूलभूत बदलाव का पक्षधर बन जा। निज हितों की दुहाई न दे, निज हितों की दुहाई न दे, राष्ट्र हित का पक्षधर बन जा। बदल दे सियासतदानों के राजशाही ठाट बाट, तू बदल दे सियासतदानों के राजशाही ठाट बाट। जाग उठ भारत माँ का पक्षधर बन जा। नौ, घिसी पिटी लाइनों पर चल रही है हमारी संविधान प्रणाली, घिसी पिटी लाइनों पर चल रही है हमारी संविधान प्रणाली। राजे महाराजे के तो गए और नवाब शहंशाह आए। कहता घिसी पिटी लाइनों पर चल रही है हमारी संविधान प्रणाली, पहले पहले राजे महाराजे गए, उसके बाद में हमारे यहाँ से नवाब शहंशाह गए, अंग्रेज फिर उसके बाद अंग्रेज चले गए, तो आज़ाद भारत वासियों में भारत में सियासतदानों के कुनबों के रेले आ गए। अंग्रेज चले गए तो आज भारत आज़ाद भारत में वर्तमान सियासतदानों के कुनबों के रेले आ गए। नहीं बदली है तो किसान मजदूर की किस्मत, नहीं बदली है तो किसान मजदूर की किस्मत, इन्हें तकदीर हकूमतों के ख्वाब खा गए, इन्हें तकदीर हकूमतों के ख्वाब खा गए। दसवां, आओ जागें कदम बढ़ाएं, सोच बर्ताव से समूचा बदलाव लाएं। आओ जागें कदम बढ़ाएं, समूचे बर्ताव से समूचा बदलाव लाएं। धर्म मजहब जाति समुदाय वर्ग भेद वोट बैंक प्रथा को जड़ मूल से मिटाएं। भारतीय संविधान हमारी नियमावली है, भारतीय संविधान हमारी नियमावली हो। ग्रंथ यह एक ग्रंथ है, यह एक पथ प्रदर्शक है, इसे शासन समाज का हम अभिन्न अंग बनाएं। क्या बात कह गया है इसके लिए, संविधान के लिए फिर बहुत बड़ी बात कह गया है। अंतिम, अनाप शनाप पनप रहे हैं परिवारवाद, अनाप शनाप पनप रहे हैं परिवारवाद, वंशवाद को खत्म करेंगे। अनाप शनाप पनप रहे हैं परिवारवाद, अब हम हिंदुस्तानी वंशवाद को खत्म करेंगे। वोट बैंक प्रथा बाहुलवादी को समूल नष्ट करेंगे। 5 साल में हो सभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव, यह निश्चित करेंगे। बार बार के चुनावी दंगल को समेत विधान परिषद व राज्यसभा को हम लगाम लगा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।